नमस्ते मेरे क्रोशिया के शौकीन दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई क्रेजी क्रोशिया में स्वागत है। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक नई और खूबसूरत सी डिजाइन लेके आई हूँ। ये थालपोश की डिजाइन है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ये कितने इसमें उभारदार फूल बने हुए हैं और ये देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको पफ स्टिच आनी चाहिए और इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो बनाना सिखाया है। तो दोस्तों इसे सीखने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 प्लाई के उनको डबल करके लिया है और इसे हम 10 नंबर की क्रोशिया हुक से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक गांठ बांधेंगे इस तरीके से और इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब हम पीछे की तरफ पलटेंगे, जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच करके एक छोटी सी रिंग बनाएंगे इस तरीके से। अब इस रिंग में हम सबसे पहले इस फंदे को लंबा करेंगे और यहाँ पर हम इस रिंग में 1 पफ स्टिच और 2 चेन 6 बार बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से हम सबसे पहले पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से ये पफ स्टिच बन गई। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे, 6 बार बनाना है। 1 पफ स्टिच 2 चेन। इस तरीके से और इसी तरीके से हम 1 पफ स्टिच 2 चेन 6 बार बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने 6 बार 1 पफ स्टिच 2 चेन बना के तैयार कर ली है इस रिंग में। अब लास्ट में हम जो हमारी पहली पफ स्टिच है इसके ऊपर वाली चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बन के तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगले राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इस फंदे को लंबा करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से 1 पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से इसके आगे 1 चेन बनाएंगे, फिर इसके आगे हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर हम इस जगह 1 पफ स्टिच बनाएंगे। और दूसरी पफ स्टिच हम इस जगह पे बनाएंगे। इस तरीके से अब इन दोनों पफ स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये बन गया। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर पफ स्टिच के ऊपर बनाएंगे। जैसे हमने इस पफ स्टिच के ऊपर बनाया है उसी तरीके से हम हर पफ स्टिच के ऊपर बनाएंगे। तो इसके आगे वाली जो पफ स्टिच है उसके ऊपर वाली चेन में हम इसी तरीके से बनाएंगे 1 पफ स्टिच। वन चेन, इसके आगे 2 पफ स्टिच। फंदे को लंबा करेंगे और इस तरीके से इसके आगे 2 पफ स्टिच बनाएंगे। यहां पर दूसरी पफ स्टिच। अब इन दोनों पफ स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे 2 चेन बनाएंगे। इसी तरीके से हम आगे वाली पफ स्टिच के ऊपर वाली चेन में बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये सेकंड राउंड भी बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो इन दोनों पफिस के बीच में जगह है यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस सेकंड राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। तो हम यहाँ पर हम सबसे पहले 1 पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, इसके आगे 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से।
इसके आगे हम थ्री पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहली पफ स्टिच हम यहां पे बनाएंगे, और दूसरी पफ स्टिच हम इस जगह पे बनाएंगे जहां हमने पहली पफ स्टिच बनाई है, और तीसरी पफ स्टिच हम यहां पे बनाएंगे टू चेन से पहले। अब इसके आगे हम इन तीनों पफ स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम वन चेन बनाएंगे और इसके आगे हम टू पफ स्टिच बनाएंगे। तो हम पहली पफ स्टिच यहां पे बनाएंगे इस तरीके से, और दूसरी पफ स्टिच हम टू चेन से पहले जो जगह है यहीं पे बनाएंगे। अब इन दोनों पफ स्टिच को भी एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से, और इसके आगे हम टू चेन बनाएंगे। दोस्तों पिछले राउंड में हमारा ये वन बार बना था, अब इस राउंड में ये टू बार बना है। अब इसके आगे हम यहां पर भी इसी तरीके से बनाएंगे, और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो एक और बार बना के दिखाते हैं आपको। तो यहां पर हम बनाएंगे इसी तरीके से इन दोनों पफ स्टिच के बीच में वन पफ स्टिच वन चेन, बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी बनाया था वैसे ही बनाना है। वन पफ स्टिच वन चेन हो गया। अब इसके आगे हम थ्री पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहली पफ स्टिच यहां पे, और दूसरी पफ स्टिच यहां पे जहां हमने पहली पफ स्टिच बनाई है, और तीसरी पफ स्टिच टू चेन से पहले यहां पर इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और तीसरी पॉप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम इन तीनों पॉप स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम वन चेन बनाएंगे, और इसके आगे हम टू पॉप स्टिच और बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, ये हमारी पहली पॉप स्टिच हो गई, और दूसरी पॉप स्टिच टू चेन से पहले ही इस जगह है यहां पे बनाएंगे। तो इस तरीके से ये टू पफ स्टिच हो गई। अब इन दोनों पफ स्टिच को हम एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम टू चेन बनाएंगे, और इसके आगे भी इसी तरीके से बनाएंगे, और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ, और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है, और लास्ट में हम जो हमारी पहली और दूसरी पफ स्टिच के बीच में जगह है इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। तो हम इस फंदे को लंबा करेंगे, और इसके आगे वन पफ स्टिच वन चेन बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसके आगे हम थ्री पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहली पफ स्टिच हम यहां पे बनाएंगे, दूसरी पफ स्टिच जहां हमने पहली पफ स्टिच बनाई है वहां पे बनाएंगे, और तीसरी पफ स्टिच इन दोनों पफ स्टिच के बीच में जगह है यहां पे बनाएंगे। अब इन तीनों पफ स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम वन चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे भी थ्री पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहली पफ स्टिच यहां पे बनाएंगे, दूसरी पफ स्टिच हम यहां पे बनाएंगे इस जगह पे, और तीसरी पफ स्टिच टू चेन से पहले जो ये जगह है यहां पे बनाएंगे। अब इन तीनों पफ स्टिच को भी हम एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम वन चेन बनाएंगे, और इसके आगे हम टू पफ स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, पहली पफ स्टिच यहां पे बनाएंगे, और दूसरी पफ स्टिच टू चेन से पहली जो जगह है यहां पे बनाएंगे। इस तरीके से अब
दोनों पपेट्स को अभी हम एक साथ जोड़ देंगे। अब इसके आगे हम टू चेन बनाएंगे और इसके आगे हम यहाँ पे भी इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों पिछले राउंड में ये 2 बार बना था, तो इस राउंड में हमारा ये 3 बार बनेगा। तो इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने पहली और दूसरी पफ स्टिच के बीच में जगह थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 पफ स्टिच 1 चेन बनाएंगे इसी जगह पे इस तरीके से। वन पफ स्टिच 1 चेन, फिर इसके आगे हम 3 पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहली पफ स्टिच हम यहाँ पे बनाएंगे, दूसरी पॉप स्टिच हम यहां पे बनाएंगे, और तीसरी पॉप स्टिच हम इन दोनों पॉप स्टिच के बीच में जगह है यहां पे बनाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 पॉप स्टिच हो गई। अब हम इसके आगे इन तीनों पॉप स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे भी हम 3 पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहली पफ स्टिच यहां पे बनाएंगे, इस तरीके से। दूसरी पफ स्टिच हम यहां पे बनाएंगे, और तीसरी पफ स्टिच हम इन दोनों पफ स्टिच के बीच में जगह है यहां पे बनाएंगे। इस तरीके से ये 3 पफ स्टिच हो गई। अभी तीनों पफ स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे भी हम 3 पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहली पफ स्टिच इस जगह पे बनाएंगे, दूसरी पफ स्टिच हम यहां पे बनाएंगे इस जगह पे, और तीसरी पफ स्टिच 2 चेन से पहले ये जो जगह है यहां पे बनाएंगे। अब हम इन तीनों पफ स्टिच को भी एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से, इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 2 पफ स्टिच और बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, पहली पफ स्टिच यहां पे बनाएंगे और दूसरी पफ स्टिच 2 चेन से पहली जगह है यहां पे बनाएंगे। अब हम इन दोनों पफ स्टिच को भी एक साथ जोड़ देंगे और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। ये बन गया, पिछले राउंड में 3 बार बना था, इस राउंड में ये 4 बार बना है। अब इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो यहां से शुरू करेंगे 1 पफ स्टिच 1 चेन, जैसे हमने यहां से शुरू किया था 1 पफ स्टिच 1 चेन, और इसके आगे जैसे हमने यहां पे बनाए हैं वैसे ही हम यहां पे बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये 5th राउंड भी बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने पहली और दूसरी पफ स्टिच के बीच में जगह थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम इसी पैटर्न के अनुसार इसी तरीके से यानी 8th राउंड तक बनाएंगे। दोस्तों जो हमारे ये 5th राउंड बनाए हैं उसमें हमने यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 4 बने हैं। तो हम इसके आगे जब हम 8th राउंड तक बनाएंगे तो उसमें ये हम गिनेंगे तो ये 7 हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इसी पैटर्न के अनुसार 8th राउंड तक बना लेते हैं और बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने इसे 8th राउंड तक बना के तैयार कर लिया है। दोस्तों अभी तक हम इसे बढ़ते विक्रम में बना रहे थे, अब हम इसके आगे घटते विक्रम में बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके आगे घटते विक्रम में बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहली पफ स्टिच हम इसी जगह पे बनाएंगे और दूसरी पफ स्टिच इन दोनों के बीच में बनाएंगे।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके आगे वन चेन बनाएंगे और इसके आगे हम थ्री पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहली पफ स्टिच इसी जगह पे बनाएंगे, फिर दूसरी पफ स्टिच इस जगह पे बनाएंगे, और तीसरी पफ स्टिच इस जगह पे बनाएंगे। अब इन तीनों को जोड़ेंगे एक साथ, इसके आगे वन चेन बनाएंगे और इसी तरीके से थ्री थ्री पफ स्टिच जोड़ने के बाद वन चेन बनाते हुए यहां तक लास्ट तक बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं यहां तक बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। थ्री पफ स्टिच, तो पहली पफ स्टिच यहाँ पे, दूसरी पफ स्टिच यहाँ पे और तीसरी पफ स्टिच इस जगह पे। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसके आगे पांच छेद बनाएंगे और इसी तरीके से हम यहां तक बनाएंगे। तो इस तरीके से बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने थ्री पफ स्टिच और वन चेन बनाते हुए लास्ट तक बना लिया है और इस तरीके से हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 रह गए हैं ये। अब इसके आगे हम जैसे ये घट गया है, पिछले पिछले रो में ये 7 थे, अब हमारे ये 6 रह गए हैं। अब इसके आगे हम अगली रो बनाएंगे, तो इसकी हम सबसे पहले पलट लेंगे पीछे की तरफ और इसके आगे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टू पफ स्टिच बनाएंगे, जैसे हमने ये पिछली रो बनाई थी उसी तरीके से बनाएंगे टू पफ स्टिच। तो पहली पफ स्टिच, दूसरी पफ स्टिच इस जगह पे बनेगी, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके आगे वन चेन बनाएंगे, इसके आगे थ्री पफ स्टिच बनाएंगे, ये पहली पफ स्टिच हो गई, ये दूसरी पफ स्टिच इस जगह पे बनाएंगे और तीसरी पफ स्टिच इस जगह पे बनाएंगे। अब इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे और इसके आगे वन चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम थ्री पफ स्टिच और वन चेन बनाते हुए लास्ट तक बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारी ये भी रो बन के तैयार हो गई है। इसमें हमारे 1 2 3 4 5 5 रह गए हैं, पिछली रो में ये 6 थे, अब इस रो में हमारे ये घट के 5 रह गए हैं। अब इसके आगे हम अगली रो बनाएंगे, तो हम इसे दोबारा से पलटेंगे पीछे की तरफ और फिर इसके आगे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले टू पफ स्टिच, पहली पफ स्टिच दूसरी पफ स्टिच इस जगह पे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके आगे वन चेन बनाएंगे, इसके आगे थ्री पफ स्टिच बनाएंगे, पहली पफ स्टिच दूसरी पफ स्टिच इस जगह पे, तीसरी पफ स्टिच इस जगह पे। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, इसके आगे वन चेन बनाएंगे और इसी तरीके से थ्री पफ स्टिच जोड़ के और वन चेन बनाते हुए हम लास्ट तक बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारी ये भी रो बनके तैयार हो गई है और यहाँ पर हमारी 4 पफ स्टिच रह गई हैं, 1 2 3 4। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और जो ये पिछली रो है यहाँ पर ये जगह है, इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और ये जो पिछली रो की जगह है यहाँ पर इस जगह पे स्लिप स्टिच कर बनाएंगे, इसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 चेन से जो पहली जगह है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ पे इस तरीके से नीचे लेके आएंगे, फिर इसके आगे जो 2 चेन की जगह है यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और इसके आगे यहाँ पर जो 8 2 पफ स्टिच के बीच में जगह है ये वाली जगह, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, इसके आगे 2 पफ स्टिच बनाएंगे, यानी कि जैसे हमने यहां से बनाया था
उसी तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे। और इसी तरीके से हम, हाँ, जैसे हम पहले यहाँ पे बनाएंगे, फिर इसके आगे यहाँ पे बनाएंगे, और इसी तरीके से हम हर हिस्से में बना देंगे इसी तरीके से। तो इसी तरीके से मैं ये बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये डिजाइन बनके तैयार हो गई है यहाँ तक। और लास्ट में हमने जहां से हमने शुरू किया था उसी में हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम वन चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। दोस्तों, इसके आगे हम इस रंग से बनाएंगे, तो इसे हम इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले गांठ बांधेंगे और यहाँ पर इस जगह पे, इस जगह जगह दोनों पॉपिस के बीच में जगह है, यहाँ पर हम इसे इस तरीके से जोड़ देंगे, इस तरीके से। अब इसके आगे हम वन पॉपिस स्टिच वन चेन बनाएंगे इसी जगह पे। इसके आगे हम वन पॉपिंग स्टिच बनाएंगे। इसके आगे थ्री चेन बनाएंगे और इन दोनों पॉपिंग के बीच में जगह है, इसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके आगे भी थ्री चेन बनाएंगे। इसके आगे इन दोनों पॉपिंग के बीच में वन पॉपिंग स्टिच वन चेन बनाएंगे। इसके आगे वन पॉप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से फिर इसके आगे थ्री चेन बनाएंगे और फिर इसके आगे हम पलट के, इन दोनों पॉप के बीच में जगह है इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके आगे भी थ्री चेन बनाएंगे और यहां पर ये जो टू सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहां पर भी हम वन पॉप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे भी थ्री चेन बनाएंगे, फिर इसके आगे इन दोनों पॉपिस के बीच में यहां पर वन पॉपिस स्टिच वन चेन, इसी तरीके से बनाना है। फिर इसके आगे हम इसके ऊपर वन पॉपिस स्टिच बनाएंगे, इसके आगे थ्री चेन बनाएंगे और इन दोनों पॉपिस के बीच में स्लिप स्टिच कर देंगे। जो जगह है इन दोनों पॉपिस के बीच में उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे थ्री चेन बनाएंगे और यहाँ पर वन पॉपिस स्टिच बनाएंगे, और जैसे हमने इसे बनाया है वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे और इसी तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे। बस जो बीच वाली जगह है उसमें हम यहाँ पर वन पॉपिस स्टिच बनाएंगे, बाकी सभी जगह पे हम इस तरीके से बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेते हैं और बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये किनारे भी बनके तैयार हो गई है। और लास्ट में हमने जहाँ से शुरू किया था उसी में हमने इन दोनों पॉकेट्स के बीच में यहाँ पर स्लिप स्टिच करके वन चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसे पीछे ले जाके छुपा देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये किनारे भी बनके तैयार हो गई है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम अगली वीडियो बनाना सिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।